रविवार को बॉलीवुड स्टार गोविंदा गोरखपुर में थे, जहां गोविंदा ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन किए और सीएम योगी से मुलाकात भी की। मुलाकात के दरमियान उत्तर प्रदेश में फिल्म कारोबार को बढ़ाने को लेकर चर्चा भी हुई। गोरखपुर में गोविंदा बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए, सीएम योगी से की मुलाकात। बॉलीवुड स्टार गोविंदा रविवार को गोरखपुर में थे। एक कार्यक्रम में पहुंचे गोविंदा ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। गुरु गोरखनाथ के चरणों में माथा टेकने के बाद गोविंदा ने अखंड ज्योति के दर्शन किए और फिर गोरखपीठ के महंत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक सीएम योगी और गोविंदा में बातचीत हुई। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हर मदद देने का वादा किया। सीएम योगी से मिलने पहुंचे गोविंदा से मीडिया ने सवाल किया, क्या वो राजनीति में लौट रहे हैं? तो गोविंदा ने कहा कि वो राजनीति से दशकों पहले दूरी बना चुके हैं। मैं 14-15 वर्ष हो गया, मैं बाहर आ गया हूँ, अच्छे से आ गया हूँ, और उसके बाद मैं कभी उधर देखा नहीं। मैं जो कह दिया करता हूँ वही करता हूँ, आगे कोई विचार नहीं। या बीजेपी में? अरे बीजेपी में आने का कोई विचार? अभी तक ऐसी कुछ भी व्यवस्था हुई नहीं है और ना ही ऐसा विचार है, परंतु मेरे संबंध वर्षानुवर्ष, क्योंकि चाइल्डहुड जो है वो आरएसएस में था, तो संबंध सभी से मेरे वर्षानुवर्ष के हैं। आदरणीय अटल जी से बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे घर परिवार जैसे। मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी ने गोविंदा को कुंभ मेले की पूरी जानकारी दी और सांस्कृतिक धरोहर प्रयागराज कुंभ 2019 की पुस्तक भेंट की। टीम न्यूज़ नेशन।